بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज पर मौजूद इंतहाई इल्मी शख्सियात और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए जज्बे से भरपूर मुसलमानों, मैं आपको सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना और आप यहाँ पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, माकाना मोहम्मद आबादन में रिजालिकुम वकानर रसूला वखातमन नबीयीन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी। इन अहदीस और आयात कुरान के बाद ये मसला तो काबले गौर है कि फिर कौन सी वो लोग हैं जिन्होंने इस दीन में हमारी पीठ में खंजर घोंपा और रिसालत का झूठा दावा किया। इस्लाम हमें सबक देता है कि हम तमाम मजाहब के लोगों से अमन से रहें और उनको उनके मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा मौका भी दें। हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी ईसाई से, हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी यहूदी से, हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी हिंदू से, हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी दीगर किसी मज़हब के बंदे से। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये सारे उलमा, ये सारे मशाइख इस बात पर मुतफिक हैं कि कादियानियत के खिलाफ, मिर्ज़ाइयत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और उनके राह में ये रुकावट बने हुए हैं कि वो अपने दीन की तरवीज ना करें। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक छोटा सा ख़त्म नबूवत का मुजाहिद कुछ अपनी ज़ाती हैसियत से वो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 28 साल से, जब से मेरी उम्र 14-15 साल थी, तो क्यों इसका इसमें अपनी काविश कर रहा हूँ। मैं एक दुनियादार आदमी, मेरा दीन से उस तरह का ताल्लुक नहीं है जिस तरह यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियाँ दीन के लिए गुजार दी। तो मेरे भाइयों, आज से तकरीबन 26 साल 27 साल पहले मैं अपने गांव में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक हाजी साहब भाई से तशरीफ़ लाए वापस और वो ये फरमा रहे थे कि हमसे तो वो फलाँ मिर्ज़ाई बहुत अच्छा है, वो बहुत दीनदार है, वो बहुत बाइखलाक है और उसके मामलात बहुत अच्छे हैं। वो लम्हा था जब मैंने अपनी काविश इस काम के लिए शुरू की कि ये तो बहुत गंभीर मसला है, लोगों को ये भी नहीं पता कि वो काफिर और मुर्तद हैं। इस मकसद के लिए फिर मैंने वहाँ से काम शुरू किया, अपना सोशल बायकॉट तो पहले ही था, फिर लोगों से रिक्वेस्ट की, उनको समझाया, सिर्फ मिर्ज़ाई मसला नहीं है हमारा, मिर्ज़ाइयों से बड़ा मसला हमारा मिर्ज़ाई नवाज़ है। फिर मिर्ज़ाई नवाज़ों की बारी आई, उनसे कता ताल्लुक हुआ, वो रास्ते में रुकावट बने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा को दावत दी, वो हमारे गांव में तशरीफ़ ले आए और लोगों को ये समझाया कि ये आम काफिर नहीं है, ये मुर्तद, ये मिर्ज़ाई, ये हमारे घुसपैठिए, ये हमारे दीन को ख़राब कर रहे हैं। ये वक्त गुजरता गया, 2006 में हमारे गांव में उन्हीं मिर्ज़ाइयों ने अपनी इबादतगाह को रातों रात मीनार भी लगा दिए और मेहराब भी बना दिया। बड़ा लम्हा फिक्रिया था, मौलाना अकरम तूफ़ानी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो यकीनन जन्नत में होंगे, उनके पास भी मैं गया, हाजिर हुआ। मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है, हमारे लोग तो पहले ही
ये नहीं समझते कि हम में फर्क क्या है, तो अब तो और ज्यादा मसला बन गया है। और दूसरे इतने दोस्त काम कर रहे थे, सबसे मिला, सब ने हिम्मत दी और मैंने थाने में दरख्वास्त गुजारी और अगले 3 दिनों में उन मिर्जाइयों की वो मेहराब भी गिर गए और वो मीनार भी गिर गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से इनको काफिर करार दिया गया था, वो पहला ये मौका था कि इन्होंने अपनी किसी इबादतगाह पर मीनार और मेहराब लगाए। ये वहाँ से शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह करीम की मदद से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र से वो काम वहीं पे रुका। मैं 2010 में अपने बार के फोरम पर इलेक्शन लड़ा। हमारी बार में कोई तकसीम नहीं थी, मिर्जई और मुसलमान वकला एक ही जगह पर बैठते थे, एक ही जगह पर खाते पीते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं बार में, आज तक किसी मिर्जई के दर पर वोट मांगने नहीं गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक जिस शख्स का पता है मुझे कि ये मिर्जई है, उसका सलाम लेना तो दरकिनार, उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब एक बहुत अहम मसला जो आजकल दरपेश है वो ये है कि ये लोगों को बला फुसला कर दीन से दूरी कर रहे हैं और लोग मुर्तद हो रहे हैं। सरगोधा में ही एक वाकया हुआ है, और एक लड़की जो है वो पैसों के लालच में अपने वालदैन के साथ मिलकर उसने दीन इस्लाम छोड़कर मिर्जईयत कबूल की है और वो मिर्जई हो गई है। और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मैं दीन इस्लाम छोड़कर मिर्जई हो गई हूँ। अल्लाह ताला शेख बदर आलम साहब और जहांजेब बसरा साहब और दीगर जो हमारे वकला हैं इनके काम में और इनको हिम्मत दे। इन्होंने मुझसे बात की कि अगर आप इसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार बने तो हम इसके खिलाफ दरख्वास्त देते हैं कि ये तुहीने रिसालत है, किसी बंदे का मजहब छोड़ जाना ये तुहीने रिसालत है, और हम यहाँ से ये काम शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जब भी कोई बंदा मजहब छोड़ेगा तो उसके खिलाफ तुहीने रिसालत का पर्चा दर्ज होगा। हमारी वो पिटीशन अदालत में जेर समात है और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो पहला पर्चा तोहीने रिसालत का दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना दीन इस्लाम छोड़कर चंद टकों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर मिर्जई हो जाए। ये मसाइल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तबलीग करने की ज़रूरत है कि हम कोई मुतशद्दिद नहीं हैं। मेरे जैसा दुनियादार बंदा भी जिसके मिर्जईयों के अलावा हर मकतबा फिक्र के लोगों से, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, मेरा उनसे कोई मसला नहीं है। मैं उनसे मिलता भी हूँ, मैं उनसे बात भी करता हूँ, उनके साथ बैठता भी हूँ, लेकिन मिर्जईयों के खिलाफ ही ये हम क्यों खड़े हैं? आप मगरब में जाएं, वहाँ पे ये हमारे इस्लाम को अपना इस्लाम बनाकर पेश कर रहे हैं, ये मसला है। वहाँ पे जो लोग नया मुसलमान होना चाहता है उसे नहीं पता कि मुसलमान असल कौन है, वो मिर्जई है या वो हम मुसलमान हैं। इन्होंने, क्योंकि इनके वसाइल भी ज्यादा हैं, इनको पुष्टपनाई भी बहुत बड़े मुल्कों की है, तो इन्होंने सबसे बड़ा मसला ये किया है कि ये हमारे इस्लाम में घुस बैठे हुए हैं अभी तक। और जो लोग नए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि पता नहीं कौन मुसलमान है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हर हर फोरम पर, हर हर जगह पर ये डिक्लेयर हो जाए कि ये मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम, आज मिर्जई खड़े होकर कह दे कि हम काफिर हैं, हमारा उनसे कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इस्लाम में मिलावट ना करें, इस्लाम को ख़राब ना करें। हमारी सिर्फ और सिर्फ सारे की सारी काबिश उनके खिलाफ इस्लाम बचाने के लिए है। मैं आप तमाम लोगों को दावत फिक्र देता हूँ कि कोई किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुतशद्दिद आप नहीं कहलवाएंगे। जो भी मिर्जई है उससे कत्ता ताल्लुक भी करें, उससे दूरी भी करें, उसकी तरफ देखें भी ना, और साथ साथ लोगों को तबलीग भी करें कि इनसे दूर रहें। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल करें।